Assalamualaikum guys, welcome back to my new vlog. तो आज का vlog होने वाला है बड़ा interesting. ये vlog आपने पूरा देखना है क्योंकि आज जा रहे हैं हम टूर पे. तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा है. ये देखें, अभी अभी धूप निकली है सुबह सुबह की. तो अभी जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:40. तो अभी जा रहे हैं, वैन तैयार है. तो मैं नाश्ता नहीं किया, अभी थोड़ा नाश्ता करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं. तो व्लॉग पूरा देखना है आपने. तो गाइज़, नाश्ता मैंने कर लिया है, तो अभी जाते हैं टूर के लिए. तो आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग. तो अभी हमारी वेटिंग चल रही है, बच्चे अभी आए नहीं है सारे. बच्चे आ जाएं तो फिर हम निकल. ये बच्चे हमारे साथ सारे अभी थोड़े रहते भी हैं, वो आ जाए फिर जाएंगे. लीड रह गई थी मुझसे चार्जर, वो लिया. तो अभी जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं जल्दी जल्दी. बच्चे क्यों ये सारे पूरे अभी हम उतर चुके हैं गाड़ी से, आगे मोटरवे पे जाना है हमने. दूसरी गाड़ी भी आ रही है, दो गाड़ी है हमारे साथ. तो गाइस इधर हम रुके थे अभी, थोड़ा खाने पीने की कुछ चीज़ें लिए, बिस्किट वगैरह स्नैक्स हो गए. इसके बाद अभी जाएंगे अपनी इस्लामाबाद, तकरीबन पहुंच गए हम. इसके बाद जाएंगे आगे, कौन सी जगह जाना है वो जगह पे जाके आपको मैं बताता हूँ. अभी हम पहुंचे लोक विरसा म्यूजियम, ओनली म्यूजियम. तोड़ दे यार, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लोक विरसा म्यूजियम. ये रहा जी म्यूजियम, अभी अंदर जाएंगे आपको अंदर से भी दिखाते हैं म्यूजियम कैसी है. टिकट हमने ले लिया है, अभी अंदर जाते हैं आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे, एंटिक पीस होंगे अंदर वो भी आपको दिखाते हैं. तो ये चेक करो भाई, ओए क्या सीन है इधर का. तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये बंदा, चेक करो. इधर मिट्टी के कुछ बर्तन भी बनाए, जगह भी बनाई हुई है. एक आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाऊँ, ये देखो जी नंगा बंदा है. बोल चेक करो, ये आ गया. इधर आपको दिखाते हैं इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी,
आप चेक कर सकते हैं। सारी इधर एंटीक पीस रखे हुए ये आगे जी अंदर नहीं बाहर लाना है बिल्कुल क्या आगे एंटीक पीस इधर रखे हुए हैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएंगे ये चेक करो सारा जो पुरानी तहजीब है ये बुद्धा का स्टेचू बना हुआ है सैलाब जदगान भी है इधर ये चेक करो ये क्या चीज़ें हैं ये कपड़े किसके नूरजहाँ के तो नहीं है बड़ी एंटीक एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं अब ये देखो पहले इधर बताए हुए तहजीब क्या है इनकी पुराने ज़माने की चीज़ें बताई हुई हैं इस बंदे को देखो समझ नहीं आ रही है क्या अब ये क्या करने के चक्रों में वैसे पुतले बना के रखे हुए पुराने ज़माने के और ये देखो आपको अपना व्यू भी दिखाते हैं पहले तो हमें चेक कर लें हर जगह पे ये बनाए हुए अंदर भी जाके देखते हैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ ये चेक करोगे क्यों अलाउ नहीं है इधर अलाउ है ये वापसी का रास्ता है ना इधर से बाहर जाते हैं हाँ चलो सही है वापसी आके इधर से चले जाएंगे इधर एक कौवा भी बिठाया हुआ है वो नकली आपको अरे चीज़ें काफ़ी दिखाने की है आपको मैं दिखाता चलूँ ये इधर भी पूरी एक गली बनाई है सब एंटीक पीस रखे हुए अंदर ये देखो गली इधर भी चीज़ें हैं समझ मुझे कुछ नहीं आ रही सारी एंटीक पीसें रखी हुई हैं इनका मैंने करना क्या है आपको दिखाते जा रहे हैं हर जगह पे ऐसी एक टीवी एलसीडी लगी हुई है जिस पे कोई प्रोग्राम चल रहा है पुराने ज़माने का इसकी तहजीब बताई हुई है क्या चीज़ें थी हाँ मसी क्या हाल है आपका ठीक है ये कुएं से पानी निकाल रही है ये लस्सी बना रही है और ये रिवायती चूल्हा पुराने ज़माने के ऐसे चूल्हे हुआ करते थे लेकिन हमारे ज़माने में ऐसे नहीं है इन जनाब को देखो भाई अंकल ठीक है इतने पंखी हैंड फैन पंखा भी रखा हुआ है इधर इनका रक्स लगा हुआ है ढोलक रखे हुए पीछे ये कौन है इनके नाम भी नहीं लिखे हुए इधर ये क्या चीज़ है पता नहीं तो आपको अंदर ले चलते हैं इधर तो अच्छा सीन है काफ़ी इधर का सीन भी आपको दिखा दूँ तो फुल आपको मैंने टूर कराना है इसका अलग से यह इधर आप देख सकते हो ये अलग चीज़ है ये ईरान आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन ये ईरान की कोई पिक्चर लग रही है मुझे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई हैं इधर आपको सब बारी बारी दिखाता हूँ मैं अपने आप को दिखाने लग जाऊँ तो ये कवर नहीं हो सकेगा इसलिए सारा ये आपको दिखाता हूँ ये तो ट्रक आर्ट लगता है मुझे ये ट्रक के साइडों पर नहीं होता ये वो चीज़ है ये पता नहीं क्या है बल्तिस्तान छोड़ो इसे ज़्यादा दिखाते भी नहीं है बोल हाँ मामा जी कैसे हो ठीक हो खैरियत कारी साहब और बिल्कुल रियल लग रहे हैं देखो आप इसको देख तो लो ज़रा बिल्कुल रियल लग रहा है एक कारी साहब है कोई पता नहीं ये क्या है ये क्या चीज़ें बनाई हुई ऐसी है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनकी समझ भी नहीं आ रही मुझे है क्या ये चप्पल सिलाई कर रहा है मोची है हमारी जुबान में ये क्या आ गया ये देखो चलो 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 चीज़ें काफ़ी दिखाने की हैं मैं सब कवर तो नहीं कर सकता है थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ दिखाता हूँ ये वुमेन इन फोल्क म्यूज़िक ये सितारे या गिटार है वो बजा रहा है इधर से स्टार्ट करते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया लकवा मार गया ये कोई हिंदू लग रहा है मुझे बट टकले ये इंस्ट्रूमेंट्स आगे पुराने जो ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी इन्होंने म्यूजियम में रखे हुए अतार और क्लासिकी पता नहीं क्या है क्लासिकल सारंगी ये क्या है बाबा जी खैर है बारी बारी सब चीज़ें आपको दिखाएंगे ये चेक करो ये दूल्हा है शादी में आया हुआ जो बीन बजा रहा है इसको देखो
इसको भी देख लें। ढोल ड्रम हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ये एक नई चीज़ है। ये आ गया कि क्या चीज़ है। अच्छा हाथ लगाना मन है, ओ एक बंदे के पास दो दो चेक करो कि किस्मत वाला। इसको देखो ये भी अपना मज़े में लगे हुए हैं। हम इधर व्लॉगिंग करें, हमारे साथ ताबिश हाशमी भी आ चुके हैं। ताबिश हाशमी नहीं, ताबिश कुरैशी। क्या चीज़ें इधर कुछ समझ आ रही है? हाँ समझ नहीं आ रही ना, क्या समझ आ जाएगी? साथ जो लिखा हुआ है वो पढ़ो बस। अभी आपको नीचे भी ले चलते हैं इधर सामने। गाइड वाले इधर कोई है नहीं। ये देखो हर जगह पे ये लगाई, ये ऊपर कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस अंकल को देखो अकेला लगा हुआ है, कोई नहीं है, नहीं है इसके साथ, एक और है इधर बंद किया हुआ। बर्तन आ गए, मस्जिद भी है कोई। ये चेक करो वाइट महल, असल चीज़ तो ये क्या है, टेंपल है, कोई टेंपल लग रही है। तो अभी हमारी वापसी हो रही है, इधर कुछ खास नहीं है, इतना जो था मैंने आपको दिखा दिया। ये भी है इधर लगी हुई मगर इधर कुछ नहीं लगा। ये बंदा जो है ना जंगी हालात बना रहा है, जंग का सामान जो होता है वो चीज़ें ये लगी हुई हैं, वो भी अपने मज़े में लगे हुए। चलो वापसी, ज्वेलरी भी पड़ी हुई पुराने ज़माने की, कोई एंटीक पीस लांगो जी, बड़े बड़े थाल। अभी वापस जाना है, आपको दिखाते चले वापसी का सीन भी है कुछ। बच्ची चेक कर, कौन है ये, किसकी नानी है? भैंस रखी है, ये भैंस है, आगे से घोड़ा है पीछे भैंस है। अरे बकरी चेक करो, रियल रियल नहीं है बिल्कुल। ये चेक कर, वही रास्ता आ गया जिधर से आए थे। हाँ इधर से हम फ्री हो गए हैं, अभी जाना है हमने वापस। अब कौन सी जगह जाने, जीशान सर? चले आप गाड़ी में बैठते हैं फिर जाते हैं जी। गिनते जाए से हम बाहर निकल गए हैं। अगली कौन सी जगह है आप? अगली हम जा रहे हैं बच्ची भैया इधर आए, आइसक्रीम चल रही है, क्या ले क्या ले।